तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, लॉन्गहॉल माइनिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, ये सिलेबस है, मेथड ऑफ ड्राइवर, सिंगल मल्टीपल हिटिंग, गेट रोड ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्गहॉल फेस, एडवांसिंग रिट्रीटिंग फेसेस क्या होते हैं, फिर फर्दर ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्गहॉल फेस कैसे करेंगे अगर एडवांसिंग रिट्रीटिंग अडॉप्ट कर लिया तो, उसके बाद क्या वो डिप के लॉन्ग होगा या फिर स्ट्राइक के लॉन्ग होगा, क्या वो डिप के लॉन्ग एडवांस करेगा या राइज के लॉन्ग एडवांस करेगा, तो वो सब फर्दर हमको देखना है। सपोर्ट सिस्टम फॉर लॉन्ग वॉल गेट रोड, जो नॉर्मल गेट रोड है अगर डेवलपमेंट के समय, उस समय क्या सपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, और जब रिट्रीट कर रहा है या फिर एडवांस कर रहा है उस समय तो हैवी सपोर्ट लगेगा ही लगेगा, रिट्रीट टाइप है तो 30 मीटर के अंदर कैसे सपोर्ट करेंगे ताकि उसको फर्दर रीइन्फोर्स किया जा सके। देन पावर्ड सपोर्ट, तो फेस पे जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके बारे में हमें देखना है, जैसे पावर सपोर्ट या फिर शील्ड सपोर्ट बोल लो, आर्मर्ड फेस कन्वेयर बोल लो, फिर बीम स्टेज लोडर बोल लो, उसके बाद तो उसके अंदर क्रशर इन्वॉल्व होता है, वो सब देखेंगे। फेस ट्रांसफ़र, जब फेस हमने एक पैनल माइन कर लिया, सेकंड पैनल पे जाना है हमें, तो उसमें फेस ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, सेरर और प्लॉ है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लीट के रिस्पेक्ट में इनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, वो सब देखेंगे। अगर हमने माइनिंग विथ केविंग अडॉप्ट किया है, लॉन्ग वॉल विथ केविंग अडॉप्ट किया है, उस केस में पीरियोडिक और मेन फॉल क्या होता है, और इसका वेरिएंट लॉन्ग वॉल का जो मेन या फिर शॉर्ट वॉल माइनिंग है, जिसमें बोर्ड एंड पिलर प्लस लॉन्ग वॉल का दोनों का एडवांटेज मिलता है, देन कम्युनिकेशन एंड टेली मॉनिटरिंग। तो इसमें हमने देख लिया था लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड क्या होता है, कि फेस लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, और पैनल लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, गूफ क्या होता है ये हमने देख लिया था, सिग्मा सेक्शन क्या होता है, फिर लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में आ गए थे डबल यूनिट सिंगल यूनिट, ये भी देख लिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि कब स्टार्ट हुआ था, और जो इसके एलिमेंट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं फेस के, जो टर्मिनोलॉजी हमें जानना चाहिए, फेस क्या होता है, टेल गेट मेन गेट क्या होता है, गूफ लाइन क्या है, स्पैन स्टेबल बटॉक, फेस कन्वेयर क्या है, स्टेज लोडर या फिर बीम स्टेज लोडर क्या होता है, फेस कन्वेयर को स्नीकिंग कन्वेयर भी बोलते हैं, तो फिर फेस सपोर्ट और फिर ब्रेकिंग रूम सपोर्ट क्या होता है ये हमने देख लिया था। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, केविंग बिहेवियर ऑफ स्टार्टर, इजली केवेबल है तो केविंग के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं, सीम थिकनेस क्या होनी चाहिए इसके लिए, ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, हाई कवर डेप्थ के लिए सूटेबल ये देखा था आपने, स्ट्रेंथ ऑफ कोल सिम हमने देखा था कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता क्योंकि आजकल ऐसे है शेयरर जो कि हाई स्ट्रेंथ कोल को भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब प्लॉ यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट और मीडियम हार्ड कोल ही उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जियोलॉजिकल डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसका काउंटर पार्ट जो वुडन पिलर है। गैसीनेस ऑफ द सिम के लिए अगर हाई गैसी है तो उसके लिए वेंटिलेशन पर्पज से अगर अंडरग्राउंड मेथड की बात करें तो बोर्ड एंड पिलर है और लॉन्ग वॉल है, तो लॉन्ग वॉल इज़ बेटर सूटेड फॉर हाईली गैसी सिम क्योंकि इसमें वेंटिलेशन ज़्यादा एफिशियंट है, दो ही एंट्री है उसके थ्रू वेंटिलेट करना है, वेर एज इन बोर्ड एंड पिलर ज़्यादा लीकेज होगा। उसमें भी फर्दर देखेंगे एडवांसिंग में और रिट्रीटिंग टाइप में कौन सा सूटेबल है हाईली गैसी सिम के लिए। डेप्थ ऑफ द सेम हाई डेप्थ है तो उसके लिए और वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से लॉन्ग वॉल ज़्यादा सूटेबल है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग वॉल मेथड। तो यहाँ तक अगर लास्ट क्लास में आप लोग रहे होंगे तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा थोड़ा सा रिव्यू दे दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग, ये रहा लेक्चर 3। ये जो फॉन्ट है विजिबल है ना, ये बड़ा करना पड़ेगा, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना फॉन्ट विजिबल है या नहीं है। धर्मेंद्र, विपुल, अनमोल, अनमोल ही कमेंट करेंगे, अभिषेक, दीपक, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू दीपक, चलो। हाँ, तो एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग वॉल मेथड क्या है, पहला तो पोटेंशियल ऑफ हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी,
तो लॉन्ग वॉल फेस जो है 500 से 5,000 टन पर डे डिपेंडिंग अपॉन सेम थिकनेस और टाइप ऑफ मैकेनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अदरवाइज नहीं पॉसिबल है अगर हम लोग मैकेनाइज्ड जाते हैं बोर्ड एंड पिलर के केस में। कितना है, 2,000 टन के लगभग, 3,000 टन के लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल है, वो भी मैकेनाइज्ड के टर्म में अगर कंटिन्यूस माइनर यूज़ करते हैं तो। लेकिन लॉन्ग वॉल के केस में 7,000 टन, 8,000 टन, 10,000 टन तक तो अभी तक पॉसिबल है। ये एक जनरल रेंज दिया है कि 500 कन्वेंशनल के लिए जो पहले यूज़ होता था, और 5,000 टन जो अभी एडवांस्ड है उसके लिए तो 10,000 टन पर डे पहुँच जाता है। तो हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है इसका पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है, इट हैज़ बेटर वेंटिलेशन। बेटर वेंटिलेशन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज कम है, जैसा एक लास्ट क्लास में बताया था मैंने, तो मैंने रखा हुआ है स्लाइड, रुको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ये वाला केस है इसमें, तो अगर एक यहाँ पे जो बिल्ट गेट है वो इनटेक की तरह एक्ट करेगा, तो ये इनटेक है अगर, और ये इसके अपोजिट वाला, ये वाला जो है ये रिटर्न है। तो इस केस में देख सकते हो एक पैनल में कितना है, वेंटिलेट करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ से जा रहा है इनटेक, फेस को वेंटिलेट कर रहा है, फिर उसके बाद रिटर्न से वापस आ जा रहा है। बोर्ड एंड पिलर केस में क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स होते हैं, उस केस में अगर पिलर है तो वहाँ पे लीकेजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में बोर्ड एंड पिलर के कंपैरिजन में इसका वेंटिलेशन ज़्यादा बेटर है तो लॉन्ग वॉल का। हाई परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शंस, तो जैसे बोर्ड एंड पिलर में हम लोग रिब छोड़ देते हैं, अगर आप लोग को बोर्ड एंड पिलर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि जब हम लोग स्प्लिट करते हैं एक पिलर को, यहाँ से स्प्लिट कर दिया, फिर स्लाइसेस डेवलप किए अलग अलग, फिर यहाँ पे एक रिब होता है जो हम छोड़ते चलते हैं, ताकि हम लोग इसको जब स्लाइस माइन कर रहे हैं तो रिब छोड़ते चलते हैं। तो ये जो मैक्सिमम ट्राई करते हैं इसको हम लोग ड्रॉप डाउन कर लें, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको छूट जाता है। लेकिन लॉन्ग वॉल के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली माइन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल है विद इन अ पैनल। अगर सिंगल एंट्री है तो उस केस में 100% हो सकता है। सिंगल एंट्री के केस में ओवरऑल परसेंटेज जो होता है 100% हो सकता है। सिंगल एंट्री क्या होता है, उस पर आएंगे। तो ये याद रखना अभी कि 100% विद इन द पैनल होता है इन जनरल, अगर सिंगल एंट्री है तो ओवरऑल परसेंटेज जो होगा 100 होगा। ठीक, बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि एक ही वर्किंग फेस है लॉन्ग वॉल का, तो जैसे एक ही वर्किंग फेस है तो उसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा ना पूरा। ये अपना लॉन्ग वॉल फेस है, इधर हमने माइन कर लिया, सपोज ये रिट्रीट कर रहा है, फेस का डायरेक्शन ये है, ये गोफ है, माइन हो चुका है, ये पूरा माइन हो चुका है। इसी फेस पे पूरा ऑपरेशन जो है कंसंट्रेटेड है, तो इसके वजह से बेटर सुपरविजन होता है। वेर एज इन बोर्ड एंड पिलर के केस में क्या होता है कि अलग अलग हेडिंग में हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, कंटिन्यूस मैनर ऑपरेट करता है, तो सुपरविजन उतना ईजी नहीं है। बेटर रूफ कंट्रोल, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन सिंपल है, और ऊपर से यहाँ पे जो हैवी सपोर्ट लगा रहे हैं तो बेटर रूफ कंट्रोल भी होता है इस केस में। और एंट्री से अगर देखोगे आप, एंट्रीज बस ये मेंटेन करना है हमें और ये मेंटेन करना है, तो दो ही एंट्री मेंटेन करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी बेटर रूफ कंट्रोल होता है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो चीज़ है इसका, हाई प्रोडक्टिविटी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मैन पावर उतना डिप्लॉय नहीं करते हैं जितना कि उसके केस में, बोर्ड एंड पिलर के केस में। और जो गैसी सीम है और कोई सीम जो लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, वो इजिली से माइन कर दिया जा सकता है, रीज़न उसका हमने ऊपर ही देख लिया है। वाइड एप्लीकेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, ग्रेडियंट एंड डेप्थ, तो हाई डेप्थ पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, हाई डेप्थ पे इसको इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। और किसको नहीं कर सकते इजिली ऑपरेट, बोर्ड एंड पिलर को। क्यों, क्योंकि बोर्ड एंड पिलर के केस में क्या होता है कि मल्टीपल गेट रोड होते हैं, या फिर गैलरी बोलूँ मैं, गेट रोड तो नहीं बोलेंगे मैं, मल्टीपल गैलरी है, तो जंक्शंस भी है जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सपोर्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर सूटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज मेन जो क्रक्स है इसका, नंबर ऑफ एंट्रीज लेस हैं इसके, नंबर ऑफ एंट्रीज लेस हैं तो लीकेजेस कम होगा,
लीकेजेस कम होगा तो वेंटिलेशन एफिशिएंट होगा, और नंबर ऑफ एंट्रीज लेस होने से दूसरा क्या फायदा है, दूसरा जो जंक्शंस हैं वो कम होंगे, यानी कम हमको सपोर्ट रूफ को मैनेज करना है, ठीक। और अलग अलग थिकनेस, ग्रेडियंट और डेप्थ पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं इसको, ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो लगता है उस पर अगर आप मॉडर्न लॉन्ग वॉल मेथड की बात करें तो पावर्ड सपोर्ट लगता है, और पावर सपोर्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 80 से 100 करोड़ के लगभग हो जाता है। कितना, अगर इतना 2,000 से 2,500 टन पर डे हमको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8,200 करोड़। और वैसे ही जो मैकेनाइज डिस्ट्रिक्ट है या फिर पैनल्स हैं बोर्ड एंड पिलर की बात करें तो उसके केस में 5,000 टन पर डे प्रोड्यूस करना है तो कितना लगेगा, लगभग 6 करोड़। तो ये अप्रोक्सीमेट फिगर है ना, ये वेरी भी करेगा माइन टू माइन कि किस क्वालिटी का हमने सपोर्ट लिया हुआ है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर कौन सा है, मेक क्या है उसका बेसिकली, यानी कि सप्लायर कौन है, तो उसके हिसाब से वैरी करेगा। तो इन जनरल मैं देखूँ तो 80 से 100 करोड़ और 6 करोड़ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो हम ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे जो कि कंटिन्यूस हो और जो जिसका लाइफ ज़्यादा हो, क्योंकि हमें रिकवर भी तो करना है ना, तो लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी जाके हम लोग लॉन्ग वॉल अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर एक ही दो पैनल माइन करना है या फिर 1-2 साल 5 साल तो इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ही खुद रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट ही है। लाइफ ऑफ माइन ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कोल भी ज़्यादा है तो उसके इसमें नंबर ऑफ पैनल हम कम कर सकते हैं, बट ओवरऑल इसको जस्टिफाई करने के लिए लाइफ ऑफ माइन जो होगा ज़्यादा होना चाहिए। हाई जेस्टेशन पीरियड ये क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस के लिए होता है इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कैसे, ये सरफेस है एज्यूम करो और हम वहाँ से शाफ्ट नीचे ड्राइव किए, जहाँ टच किया सीम को ये हमारा सेक्शनल व्यू है। अगर मैं अब टॉप व्यू से देखूँ जहाँ टच किया, तो टॉप व्यू बनाऊँ अगर मैं जहाँ टच किया कोल सीम को उसको ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो ये सपोज उसका एक्सपेंस है ऐसे, यहाँ पर टच किया वो, उसके अराउंड हम शाफ्ट पिलर छोड़ेंगे ताकि शाफ्ट जो है डिस्टर्ब ना हो, और शाफ्ट पिलर छोड़ने के बाद ये एंट्रीज डेवलप करते हैं लेवल वाली, फिर मेन डिप जो होगा जिसे बेल्ट कन्वेयर पास करता है, और यहाँ से हम लोग ये करेंगे गेट रूट डेवलप करेंगे अगर रिट्रीटिंग टाइप है तो, ठीक। और उसके बाद कनेक्ट करेंगे, यहाँ से माइन करना शुरू करते हैं बाउंड्री तक रीच करके, या फिर जो भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, वहाँ तक बाउंड्री तक रीच करने के बाद रिट्रीट करते हैं। तो इतना डेवलपमेंट वर्क है और उस समय प्रोडक्शन बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है। वेयर एज इन केस ऑफ बोर्ड एंड पिलर, हम जैसे शाफ्ट पिलर डेवलप किए उसके बाद हम यहाँ से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना बोर्ड एंड पिलर के केस में, तो बोर्ड एंड पिलर के केस में डेवलपमेंट के समय ही 10-30% जो है कोल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो शाफ्ट पिलर लिप किया, फिर किसी पैनल में गए और पैनल में हम लोग अलग अलग पिलर डेवलप करना शुरू कर दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, डायग्राम तो उतना क्लियर नहीं है। तो डेवलपमेंट के समय कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जेस्टेशन पीरियड उसका कम होता है, और यहाँ पे जो है जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है क्योंकि हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ता है, और लॉन्ग वॉल फेस जो इंस्टॉल करते हैं उसमें समय लगता है, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन जियोलॉजिकली डिस्टर्ब एरिया, क्योंकि जियोलॉजिकली डिस्टर्ब एरिया है जैसे फॉल्ट है कुछ भी है, तो उस केस में अगर लॉन्ग वॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल के साथ उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यूस फेस मूव कर रहा है ना, तो उसके साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा एरिया हमें चूज करना है, मोस्टली ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में,
जिसमें वो कंटिन्यूअस कोल ब्लॉक हो विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस कोल ब्लॉक फ्री फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस। ठीक, हाँ, अगर एक दो मेजर फॉल्ट प्लेन है, सपोज एक पैनल के अंदर ये पैनल है अपना और हम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे गोफ है, एक दो अगर फॉल्ट प्लेन है ऐसे करके उसको नेगोशिएट किया जा सकता है, क्योंकि अगर फॉल्ट प्लेन है तो उसका थ्रो होगा, सपोज इस सिम का कुछ लेवल होगा तो ये वाला फॉल्ट की वजह से वो सिम नीचे मूव कर गई, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं और ये स्टोन से कट करते हुए फिर यहाँ पे हम लोग रीच कर जाते हैं। वैसे अगर ऊपर के साइड हो, राइट साइड के तरफ हो, तो ऊपर की तरफ एंगल बना के हम लोग रीच कर जाते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा इशू होता है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक दो फॉल्ट प्लेन को निगोशिएट किया जा सकता है, और ज़्यादा फॉल्ट प्लेन है उस केस में ज़्यादा सुटेबल है नहीं, और क्योंकि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है इस केस में, पूरा का पूरा हम लोग पैनल एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, कोई रिब नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे, तो इस केस में सब्सिडेंस ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक, जो कि ऑलमोस्ट 100% है, तो उसके वजह से सब्सिडेंस ज़्यादा होता है। सेलेक्टिव माइनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस लॉन्ग वॉल फेस है, एक लंबा सा 100 से, अभी के केस में 150 से 250 मीटर के लंबा फेस है ये, और कंटिन्यूअसली ब्लॉक माइन कर रहे हैं, जो कि शेयर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, टेल एंड से मेन गेट एंड तक, और उसके वजह से जो जनरल एडवांस है वो आगे की तरफ है स्ट्राइक के अलावा, अगर मैं मान लेता हूँ तो उस केस में सेलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल नहीं है, जो कि बोर्ड एंड पिलर के केस में, क्योंकि हम उसमें गैलरी में ही माइन कर रहे हैं ना, तो उसका वर्किंग फेस जो है वो गैलरी का जो हेड है वही है, तो उस केस में सेलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल है, लेकिन इस केस में बिल्कुल नहीं है। द मेथड नीड हाईली मल्टी स्किल्ड मैन पावर, नंबर ऑफ मैन पावर तो कम होगा, लेकिन जितने भी मैन पावर चाहिए होंगे हाईली स्किल्ड चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसको शियरर ऑपरेट करना है, ठीक, और वो भी रिमोटली ऑपरेट करना है, मतलब उसमें बैठ के नहीं करेगा, उसको साइड से रिमोट से उसको कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए हाईली स्किल्ड चाहिए, तो सभी के बस की बात नहीं है, सिमुलेट करके प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उभर कर आते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो शील्ड सपोर्ट है या फिर पावर्ड सपोर्ट है उसको एडवांस करना है, तो उसके लिए भी हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, तो ओवरऑल यहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, और इसीलिए कई कई बार जब कोई भी कंपनी या फिर लॉन्ग वॉल कहीं भी हम लोग अगर डिप्लॉय करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनिशियल पीरियड में जनरली एग्रीमेंट होता है मोस्ट ऑफ द केस में, जिसमें वो 1 से 2 साल के अंदर वो ट्रेनिंग देते हैं, मतलब वो खुद ऑपरेट करके दिखाएंगे कि कैसे माइन करना है कैसे नहीं करना है, और जो वहाँ के लोकल होंगे उनको ट्रेन करेंगे कि इसको ऐसे ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक, तो हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए। इंस्टॉल्ड पावर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल इज वेरी हाई, रिक्वायरिंग डेडिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर एक लॉन्ग वॉल फेस के लिए, जैसे अगर एक लॉन्ग वॉल फेस है तो आगे बताऊंगा मैं, और ये गेट रोड है इसका, तो यहाँ पे पावर्ड सपोर्ट लगे होंगे, फिर शियरर लगा होगा वहाँ पे, जो कि आगे देखेंगे, तो यहाँ पे एक एनर्जी ड्रेन होती है, एनर्जी ड्रेन में क्या होता है, यहाँ पे पंप्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक, क्योंकि हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग पावर का है, अलग अलग पावर इन द केस कि शेयर किसी और वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, जो AFC है वो किसी और वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, जो स्टेज लोडर है या फिर बीम स्टेज लोडर है वो अलग वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, पंप चाहिए हमें, क्योंकि पंप से हमें यहाँ पे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है ना ये सेल्ड सपोर्ट, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो पंप है उसके लिए अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, तो सब स्टेशन से अलग एक डेडिकेटेड पावर लाइन आती है जो कि इसको पावर सप्लाई करती है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके। अब आते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग वर्सेस रिट्रीटिंग टाइप में, यहाँ तक समझ में आया, कोई इशू तो नहीं है, एक सेकंड देख लेने दो आप लोगों के कमेंट। हाँ, दीपक पावर सपोर्ट में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कैसे ऐसा होता है, तो
कई कई लॉन्ग वॉल पैनल में क्या करते हैं लोग, पावर सपोर्ट में ज़्यादा लगता है, कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, रुको एक सेकेंड। तो पावर सपोर्ट बेसिकली कंपोनेंट क्या है इसके, अगर आप देखो इसके कंपोनेंट क्या है, पावर सपोर्ट है, फिर उसके बाद शियरर होगा, या फिर किसी किसी के प्लॉ यूज़ करते हैं, ठीक। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या है वहाँ पे, आर्मर्ड फेस कन्वेयर है। तो आर्मर्ड फेस कन्वेयर, इसको दूसरा क्या नाम देते हैं, स्नेकिंग कन्वेयर बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है जब वो एडवांस करता है कि अपने शेप को स्ट्रेट लाइन में ना रख के कुछ ऐसे ऐसे भी कर सकता है, तो इसलिए स्नेकिंग कन्वेयर भी बोलते हैं। चौथा इसमें है बीम स्टेज लोडर, ठीक। तो मेजर मेजर जो कंपोनेंट हुए हैं इसके यही हुए हैं, ठीक। तो जब फेस मूव करते हैं ना, फेस मूव जो कि आपके सिलेबस में है भी, तो जैसे एक लॉन्ग वॉल फेस तो हमने माइन कर लिया यहाँ तक, सपोज यहाँ तक रिट्रीट करते हुए इसको माइन कर लिया, उसके बगल में दूसरा फेस है अगर इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसका इंस्टॉलेशन चैम्बर होगा कहीं यहाँ से, यहाँ से हमें एडवांस करना होगा, फिर से यहाँ से माइन करना होगा, तो यहाँ से जो फेस है इसको मूव करके मुझे यहाँ लेके आना है। तो उस केस में क्या है कि माइंस क्या करती हैं, अगर कैपिटल उनका हाई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई है, क्योंकि जितना डिले हो रहा है ना उतना कैपिटल लॉस हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि एक होता है ना उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू अगर आप लोग को याद हो, तो उसके वजह से क्या करते हैं कि पहले से ही यहाँ पे, पहले से ही हम यहाँ लगा के रखे हुए हैं, AFC लगा के रखे हुए, यानी कि जब परचेज करते हैं तो 2 यूनिट कर लिया, AFC 2 यूनिट कर लिया, शेयर 2 यूनिट कर लिया, बाकी जो आगे वाला कंपोनेंट वो भी कर लिया, लेकिन जो पावर सपोर्ट है वो एक ही यूनिट रहता है जिसको फेस मूव करके हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक। तो ये शो करता है कि जो पावर सपोर्ट का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मेजर इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपोनेंट जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूट करता है पावर सपोर्ट का ओवरऑल में बहुत ज़्यादा है, ठीक। समझ में आया दीपक? दीपक आपका क्वेश्चन था। आगे आते हैं, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं आगे फिर बता दूंगा आपको। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और रिट्रेटिंग टाइप में पहले पहुंचने से पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। ये एक टॉप व्यू है किसका, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ये टॉप व्यू है एक लॉन्ग वॉल का, तो अगर लेआउट इसका देखूँ मैं तो ये टेलगेट रोडवे है, ये मेन गेट रोडवे है, और ये जो आपका ऊपर से दिखा रहे हैं ये पावर्ड सपोर्ट है, और ये कहाँ पे है, VK7 इंक्लाइन SCCL में डिप्लॉय किया गया था, तो उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग कि ये, और रिट्रीटिंग टाइप फेस है ना, याद रखना लॉन्ग वॉल रिट्रीट है ये। तो पहले ये जो पीछे दिखा रहा है यहाँ पे, ये पीछे गोफ है पूरा, यहाँ पे माइन कर चुके हैं हम लोग, और विथ केविंग किया है, तो पूरा का पूरा फ्रेगमेंटेड रूफ मटेरियल जो होगा ये फ्रीली फॉल करेगा यहाँ पे और ब्रेक हो जाएगा। अब ये फेस है पूरा, फेस का लेंथ है 120 मीटर, टेल गेट है जिसका विड्थ है 4 मीटर, मेन गेट का भी उतना ही विड्थ होगा, 4 से 5 मीटर के लगभग। यहाँ पे सपोर्ट लगाया, और ये शेयरर यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला जो ड्रम दिख रहा है इसका, ये शेयरर के ड्रम्स हैं जो किस पे माउंटेड है, AFC पे माउंटेड है ना, जो शेयरर होता है AFC पे माउंटेड होता है, और AFC यहाँ पे लगा हुआ है पूरा, ठीक। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो साइड में दो सपोर्ट है इसका लेंथ बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये दो सपोर्ट दिख रहे हैं ना साइड वाले, इसका लेंथ बड़ा है और इसकी कैपेसिटी भी बड़ी है, इसको एंकर सपोर्ट भी बोलते हैं ना। रीजन है टेल गेट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्ट्रेस इसका, तो उसको निगोशिएट करने के लिए, फर्दर जो इनकी क्रिपिंग होगी शायद उसको मेंटेन करने के लिए, इसको एंकर इसलिए बोलते हैं।
अब यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे जो बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है, यानी कि बेल्ट नहीं, चेन कन्वेयर, AFC, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, तो उसके लिए ड्राइव यूनिट होगा यहाँ पे, टेल एंड ड्राइव यूनिट और मेन गेट ड्राइव यूनिट यहाँ से। और जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा हमेशा मेन गेट से होगा, और जो इनटेक होगा एयर का मेन गेट से होगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, कोयला जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो हमेशा इनटेक से होता है, होमोट्रॉपल एंटीट्रॉपल, वो उसके बारे में, इसी के बारे में आता है यहाँ पे। ठीक, ये जिसकी बात कर रहा था कि हाइड्रोलिक पंप देखो लगा होगा, तो ये सब जो है ना, ये पूरा कंबाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रेन। एनर्जी ट्रेन क्या होती है कि जितना भी यहाँ पे है इक्विपमेंट हमारे पास, यहाँ पे लगा हुआ है, जितनी भी मशीनरीज लगी हुई है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो कोयला जैसे जैसे ये क्या कर रहा है, ये शेयर का, ये देखो ये वाला ड्रम है और ये वाला ड्रम है, तो ये पहले इधर जाएगा फिर ये आएगा, तो डबल साइडेड माइनिंग कर रहा है, ये कटिंग जो हो रही है टू साइडेड हो रही है, इधर से ज़्यादा समय कट करेगा, फिर आएगा घूमते हुए, फिर इधर कट करेगा, ऐसे करके ये टेल गेट से मेन गेट की तरफ मूव करता रहेगा बार बार। और जनरल एडवांस किधर की तरफ है, इधर की तरफ दिखता हुआ, मतलब अगर कुछ दिन बाद देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ से यहाँ एडवांस कर चुका है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। कोयला कट करेगा, कट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है किस पे, AFC पे। तो वहाँ पे भी एक क्रशर होता है, अगर इन केस बड़े बड़े बोल्ट कट हो रहे हैं तो उसको क्रश करके फिर वो AFC के थ्रू किस पे ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पे लगा होता है स्टेज लोडर, यहाँ पे लगा होता है स्टेज लोडर, देखो लिखा हुआ है 150 हॉर्स पावर स्टेज लोडर। स्टेज लोडर के आगे वाले पे बॉक्स पे होता है क्रशर, जो उसको फर्दर क्रश करता है, और जो कोयले का जो लंप है अगर बड़े साइज़ का है तो उसको क्रश करके जो डिज़ायर्ड साइज है उसमें लेके आएगा। और उसके बाद ये बीम स्टेज लोडर, जिसका लेंथ 30 मीटर के लगभग होता है, मैक्सिमम एक्सटेंडेड लेंथ है, वो डंप करेगा जो आपका कन्वेयर है, मेन गेट कन्वेयर जो है उस पर डंप करेगा, और वो फर्दर इवेक्यूएट हो जाएगा ट्रंक कन्वेयर पे और सरफेस पे चला आएगा उसके थ्रू। तो मेन गेट में ही रेल ले डाउन की जाती है, बगल में ही, जैसे यहाँ पे है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बगल में हमने एक रेल बिछाई हुई है, और रेल पे अलग अलग बॉक्सेस जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो हाइड्रोलिक पंप होगा उस पे, उसमें भी दो पंप होते हैं कि एक प्रेशर मेंटेन करता है, एक प्रेशर बिल्डअप करता है। हाइड्रोलिक टैंक है, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट है, स्टेज लोडर का गेट एंड बॉक्स है जो उसको पावर सप्लाई कर रहा है, और भी इसमें जैसे इसको एक्सटेंड करके मैं देखूँ, यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोलिक पंप हुआ, शेयरर गेट एंड बॉक्स होगा, जैसे यहाँ पे स्टेज लोडर का गेट एंड बॉक्स है जिसको पावर सप्लाई कर रहा था, तो पावर सप्लाई। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पावर सप्लाई, जैसे स्विच होता है ना हमारे घर पे, तो वहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन इस केस में जो ऑन ऑफ करेंगे हम लोग, गेट एंड बॉक्स के थ्रू ही होगा, और यहाँ पे कोई स्विच नहीं रहेगा, और ये रिले सिस्टम पे काम करता है। थोड़ा सा जान जाओ बेटर होगा, तो रिले सिस्टम, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। रिले सिस्टम, तो सपोज अपना शेयर जो है 1.1 KV पे ऑपरेट कर रहा है, इसको इतना वोल्टेज चाहिए, तो एक हमारे पास रिले सिस्टम में क्या होता है कि बहुत जो पावर तो सप्लाई 1.1 KV का होगा, लेकिन वेरी लो वोल्टेज पे उसका पावर ऑन और ऑफ होगा। तो यानी कि ऑन ऑफ करने से वेरी लो वोल्टेज पे एक रिले सिस्टम होता है जो कि पावर को ऑन और ऑफ कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो स्पार्किंग का प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि अंदर हाईली गैसेस सिम है तो रिस्क है फायर के, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो रिले सिस्टम यूज़ करते हैं। ये आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत इतना नहीं जाना है, रिले सिस्टम ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बाकी सब में, माइंड मशीनरी में शायद पढ़ाया जाएगा। और कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ट्रांसफार्मर, तो इस पे ट्रांसफार्मर भी होती है जो दिख रही है, ये क्या है,
रेल लाइंस है ना, और इसको भी एडवांस करते रहते हैं या फिर रिट्रीट करते रहते हैं। जैसे मान लो पीछे रहा होगा तो ये आगे रहा होगा, धीरे धीरे करके पीछे पीछे इसको रिट्रीट करते रहेंगे। इसका जो वायर होगा मोनोरेल पे इसको रखते हैं, मोनोरेल यानी कि रूप से वो कनेक्टेड रहता है, और पूरा वायर सिस्टम इसी के थ्रू, वायर सिस्टम क्योंकि वायर बहुत मोटे मोटे होते हैं, हैंडल हाथ से नहीं किया जा सकता, तो उसके थ्रू रिट्रीट करते हैं या फिर एडवांस करते हैं। और हाइड्रोलिक पंप हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अलग अलग ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं क्योंकि वोल्टेज हमें स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो ये ओवरऑल लेआउट हो गया कि कैसे ये काम करता है। और जो सियरर है यहाँ पे, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम होता है, रेंजिंग ड्रम क्योंकि वो रेंज कर सकता है अलग अलग हाइट पे। डबल एंडेड क्यों? क्योंकि इसमें इसके दो एंड हैं, यानी कि दो ड्रम्स हैं जो कि कट कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देखो, एक ये है आपका, दूसरा ये वाला है, तो एक लोअर रहेगा अगर मान लो ऐसे इधर की तरफ ये एडवांस कर रहा है, तो ये वाला ड्रम जो रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, ये वाला नीचे की तरफ। उसको आगे मैं इलस्ट्रेट करूंगा, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो ताकि जब आगे बताएं तो कुछ दिक्कत ना हो। फिर जब वापस आएगा तो इसको ऊपर की तरफ कर देंगे और इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ऊपर नीचे की जब बात कर रहा हूँ तो ये सेम थिकनेस सपोज है, सपोज ये इस तरफ एडवांस कर रहा है सियरर, तो एक ड्रम ऊपर की तरफ रहेगा जो ऊपर वाला कोयला कट करेगा, ऊपर क्या पूरा आधा से ज़्यादा कट करेगा, और एक ड्रम नीचे की तरफ रखते हैं जो पीछे वाला है, जो नीचे बचा हुआ हाइट है उसको कट करता हुआ आएगा। जब वापस आएंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, देखेंगे यूनि डायरेक्शन बाई डायरेक्शन कटिंग में आएगा वो सब। और यहाँ पे देखो, अगर सपोर्ट आप देखो, ये 29 से 30 मीटर की रेंज में हैवली सपोर्टेड गेट रोड है। क्यों? जैसे एक्सकेवेट कर रहा है ये ऊपर, केव कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, तो अगर मैं सेक्शनल व्यू बनाऊं, यहाँ से एक सेक्शन लेके काट दूं, तो कैसा दिखेगा वो ध्यान से देखना। तो ये फेस है अपना, जो कि ये वाला जो लाइन है अपना वो दिखा रहा हूँ मैं। ये जो हो गया आपका कैनोपी हो गया, इसका बेस हो गया, इसके दो हाइड्रोलिक लेग्स हैं सील सपोर्ट के। ये आगे जो मैंने सिग्मा सेक्शन बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AFC को। इसके ऊपर माउंटेड है सीरर जो कि कट कर रहा है। पीछे जैसे जैसे माइन किया, ये क्या करेगा, केव कर जाएगा पूरा, तो केव करके ये पीछे फिल कर जाएगा। इमिडिएटली फिल नहीं करता है, तो उसके बाद वो पीरियोडिक केविंग होता रहता है उसके बाद। तो जैसे ही ये होगा तो स्ट्रेसेस क्या होते हैं यहाँ पे, स्ट्रेसेस अगर मैं इसको एक्सटेंड करके बनाऊँ, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, स्ट्रेसेस क्योंकि यहाँ पे माइन हो गया और लूज मटेरियल है, तो स्ट्रेसेस जो ओवरबर्डन का इससे पास नहीं करेगा, तो स्ट्रेसेस क्या होती है, डाइवर्ट होती जाती है इधर की तरफ, सॉलिड कोर की तरफ, और उसके वजह से क्या होगा, इधर स्ट्रेस जो होगा 0 के लगभग हो जाएगा, और यहाँ से वो एकदम 0 की तरफ रहेगा। यहाँ से इंक्रीज करता है थोड़ा, साइड में एल्डेड रहेगा, तो उसकी वजह से मैक्सिमम, और फिर उसके बाद जाके इन सीटू स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। तो ये जो अबटमेंट जोन है, या फिर फ्रंट अबटमेंट जोन बोलते हैं इसको, फ्रंट अबटमेंट जोन, और उसमें जो पीक अबटमेंट होता है, स्ट्रेस जो होता है वो 2 to 5 times, जनरली इंडियन कंडीशन में 2 to 2.5 times होता है। 2 to 5 times कितना, इन सीटू वर्टिकल स्ट्रेस का होता है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है इसके आगे, फेस के आगे, तो उस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो गिरिड को मेंटेन रखने के लिए 25 से 30 मीटर तक हम लोग हाईली सपोर्टेड कर देते हैं। तो जैसे ये गर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रॉप्स होंगे, हाइड्रोलिक प्रॉप्स होंगे जिसके ऊपर ये गर्डर्स लगे होंगे, या फिर अंदर ही इसमें हमने स्पेस बना के गर्डर्स फिट कर दिए। तो अगर बोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो हैवी वोल्टेड करेंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे वहाँ पे, अदरवाइज हाइड्रोलिक प्रॉप है उसको लगा देंगे यहाँ 30 मीटर तक, हैवली सपोर्टेड रहता है ताकि उसकी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन कर पाए। समझ में आया? जो फेस कैसे ले डाउन किया है हमने, डिप के डायरेक्शन में दिख रहा है, डिप इसका 1:7.5 है, तो फेस जो है डिप के डायरेक्शन में है, इसका एडवांस कितने, किसके डायरेक्शन में है, स्ट्राइक के अलॉन्ग में। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई चीज जो डाउट है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ आरके वर्मा, क्या बोल रहे हो? क्लास का टाइम टेबल कुछ पता ही नहीं चलता है। आरके मतलब टाइम टेबल नहीं पता चलता मतलब? आरके आरके, आपको ये इशू है, जल्दी से बोलो, मैं समझूँ तो क्या कहना चाहते हो आपको? क्लास का टाइम टेबल कुछ पता ही नहीं चलता है मतलब? आरके वर्मा, आरके आपके उस पर देखना जो खुले हो गए आप, आपके ऊपर वो हैंड का जेस्चर होगा ना, एक हैंड का सिंबल होगा ऐसे बना के, वो हैंड के सिंबल पे क्लिक करना। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। इस क्लास का टाइमिंग कब है सर? फिक्स वाला? अच्छा, तो एक दिन पहले आप लोग को तो कर दिया जाता है ना नोटिफाई कितने बजे से क्लास का टाइमिंग होगा? अगर आप ग्रुप में नहीं हो व्हाट्सएप वाले, और वैसे भी ये आपका इशू रिजॉल्व करने के लिए मॉर्निंग में ही क्लासेस रखवाएंगे आगे, तो मॉर्निंग में रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, मैनेज, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक, तो आर के आप वो DGMS वाले कोर्स से हो? ये बेसिकली ये क्लास जो है DGMS वालों के लिए है। आरके DGMS या फिर गेट वाले? अच्छा, अगर DGMS वाले से हो गए ना, तो उनका एक ग्रुप हुआ है, तो उस ग्रुप पे टाइम टेबल एक दिन पहले ही चला जाता है कि कल क्लास की टाइमिंग क्या होगी, उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस करते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल कैसा होता है, फेस का लेआउट दिखता कैसा है, डिप के अलोंग ये इसको ले डाउन किया है हमने, जो फेस का डायरेक्शन है इस पे कटिंग डिप राइज के अलोंग हो रही है, लेकिन जो जनरल एडवांस है वो स्ट्राइक के अलोंग है। तो टेलगेट रोडवे में भी एक आप ये रेल ट्रैक देख सकते हो। ये किस लिए करते हैं? मटेरियल सप्लाई करने के लिए, क्योंकि इस साइड इतना कंजेस्टेड हो जाता है ना, कि अगर आप देख ही रहे हो इसमें क्या क्या है, कि यहाँ पे एक रेल लाइन हमने किया हुआ है जो कि एनर्जी ट्रेन है उसके लिए, फिर यहाँ पे केबल्स होंगे, केबल्स और पाइपलाइन होंगी जो सप्लाई कर रही होंगी, उसी में जो गेट कन्वेयर है वो भी है, मटेरियल यहाँ से फेस से ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर के लिए, तो इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि उसमें आना जाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो मटेरियल का सप्लाई होता है, अगर फेस पे कुछ चाहिए होगा मटेरियल, सपोज कुछ एक का यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चाहिए, बोल्ट चाहिए या फिर हाइड्रोलिक ब्लॉक चाहिए, तो उसको ले जाने के लिए हम टेलगेट से आएंगे। तो ये जनरल लेआउट हुआ। एनर्जी ट्रेन में क्या क्या होता है ये देख लिया हमने, फेस सपोर्ट देख लिया हमने, तो जिसमें ये अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे इस वाले केस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, 4 × 3 to 5 tons चॉक सील्स है ना, तो जब ऐसे लिखा होता है 4 × 3 to 5 tons,
इसका मतलब होता है कि फोर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर लेगेड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जब है उसमें चार लेग होंगे, और उसकी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है तो 325 टन्स, तो 325 टन का सपोर्ट है, उसमें चार लेगेड सपोर्ट है, इसका ये मतलब होता है। इसीलिए इसको चॉक्सल्ड बोलते हैं। तो चॉक्सल्ड में चार वाले होते हैं ना लेग, और ये जो फेस पे जो सपोर्ट लगे हुए हैं इनका विड्थ जो होता है, विड्थ जो होता है 1.5 मीटर के लगभग होता है। तो ये जो फेस पे सपोर्ट्स हैं 1.5 मीटर के लगभग है, ठीक। और लेंथ जो होगा उसका 2 मीटर 3 मीटर उसके अराउंड, या 5 मीटर जैसे भी है। लेंथ वाला एक बार मैं जब डिस्कस करूँगा आपको अलग अलग सील्ड सपोर्ट के बारे में बताऊँगा, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि लेंथ कितना होता है, बेस कैसा होता है उसका, ये सब देखेंगे हम लोग। तो ये ओवरऑल व्यू हो गया इसका। अब आते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और रिट्रीटिंग टाइप में। तो ये वाला जो आपका कन्फिग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एडवांसिंग वाला है। तो जनरली जब एडवांसिंग इंडिया में यूज़ किया जाता था, अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो लॉन्ग वॉल फेसेस से बहुत कम है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, विथ स्टोइंग। और स्टोइंग में भी दो टाइप होते हैं ना, न्यूमेटिक एयर प्रेशर के थ्रू या फिर हाइड्रोलिक पानी में मिक्स करके। तो इंडिया में हाइड्रोलिक करते हैं स्टोइंग जनरली, और एडवांसिंग टाइप जब करते हैं तो एडवांसिंग विथ स्टोइंग करते हैं, क्योंकि एडवांसिंग विथ अगर हम लोग उससे करें, केविंग करें, तो उस केस में ये जो गेट रोड्स हैं ना साइड्स में, ये जो गेट रोड्स हैं ये वाले, तो इस गेट रोड को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत रिस्की है, क्योंकि यही बस अगर आप देखो तो बस ये गेट रोड ही तो है के लिए, फिरने के लिए फेस को, अगर ये कहीं ब्लॉक हो गया तो फेस का जो कम्युनिकेशन है वो पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। तो जो माइंड पर्सनल है वो फंस जाएंगे, अगर मान लो दोनों साइड से फॉल हो गया तो इसके लिए बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर स्टोइंग कर रहे हैं तो स्टोइंग करने में कोई रिस्क ज़्यादा है नहीं। डिफरेंस क्या है स्टोइंग करने में, स्टोइंग का जब कर रहे हैं हम लोग तो उस केस में रेट ऑफ एडवांस कम हो जाता है, क्योंकि कुछ एडवांस करेंगे उसके बाद रुकना पड़ता है सैंड स्टोइंग के लिए, तो वो जो कंटिन्यूस साइकिल है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट है, ठीक। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो तो इससे पहले वाला जो हमने देखा था, ये रिट्रीटिंग टाइप का एग्जाम्पल था ना। ये वाला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, जो कि चीनाकुरी कुलियरी रानीगंज में यूज़ हुआ था, और डेट देखो इसका 1964 तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले का है वो, तो अभी ये यूज़ नहीं करते, बहुत पुरानी ये जब मेथड जो हम तो लोग यूज़ करते थे, अभी इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका रीज़न भी है कुछ कि क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि डिमांड जो है ना अभी बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन हमें जो डेली प्रोडक्शन चाहिए या फिर ईयरली जो टारगेट है वो बहुत हाई है, तो हम वही मेथड सस्टेन कर पाएंगे जो कि डिमांड को मीट कर पाता हो। अगर वो हाई प्रोडक्शन के कैपेबल नहीं है तो वो हमारे ज़्यादा काम का है नहीं, बस कोयला निकालना ये पर्पज़ नहीं है, कोयला एक पर्टिकुलर रेट से निकाले ताकि वो सस्टेन कर पाए जो डिमांड है उसको। एनीवे हम आते हैं इसमें कि सैंड स्टोइंग वाले में या फिर एडवांसिंग वाले में क्या है। तो जैसे फेस का डिप देखो आप, फुल डिप जो है इसका 1:4.6 है, फुल डिप ये है, लेकिन फेस लाइन जो है हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे किया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर एंगल पे इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रेडियंट है वो उतना ज़्यादा ना हो, और ये जो हमने फेस पे इक्विपमेंट लगाए हैं या फिर पर्सनल का मूवमेंट है वो इजली हो सके या फिर मैनेजेबल हो, ठीक। तो जब पर भी ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट होता है तो हम अपेरेंट डिप के अलॉन्ग फेस को ले डाउन करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो फेस का डायरेक्शन है अपेरेंट डिप के अलॉन्ग है। तो इसमें हम क्या किए, पहले यहाँ से हमने फेस लगाया इनिशियली, और उसके बाद इधर से एडवांस करते चले गए। एडवांस करते करते ये जो बीच में ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंटिन्यूटी,
मतलब ये जब सिंपल हम लोग ऐसे करके मार देते हैं, यानी कि लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए हमें दिक्कत होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी लगा दी कि ताकि लोग समझ जाएं कि इसका लेंथ और ज़्यादा है, लेकिन हमने बस इतना ही डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो मेन जो है यहाँ पर टगर हॉलेज यूज़ कर रहे हैं मटेरियल सप्लाई के लिए। रिटर्न गेट में देखो टगर हॉलेज के थ्रू यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से मटेरियल सप्लाई हो रहा है फेस पे। ये जो है जो फेस कन्वेयर है उसका टेल एंड ड्राइव हेड है, और ये फेस कन्वेयर है आपका। फिर वैसे ही सपोर्ट जो होगा, सेल्ड सपोर्ट यहाँ पे नहीं यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वही जो कन्वेंशनल सपोर्ट है उसके थ्रू सपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कटिंग हो रही है वो फेस कन्वेयर के थ्रू और शियरर के थ्रू ही हो रही है, तो डिफरेंस उसका वही है। अब ये जो मेन गेट है इसमें देखो, जो गेट है बेल्ट गेट बेल्ट जो है ड्राइव उसका है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक बेल्ट को है उसको ड्राइव करने के लिए कुछ इंजन चाहिए होगा, पावर चाहिए होगा, तो गेट बेल्ट ड्राइव इस साइड है। इधर लूप टेकअप अरेंजमेंट होगा। स्टेज लोडर है जो कोयला यहाँ से आ रहा है फेस से ट्रांसपोर्ट होके, तो वो किस पे गिरेगा, स्टेज लोडर पे क्रश करेगा। स्टेज लोडर का ड्राइव जो है इस साइड है, हमेशा इस साइड है, क्योंकि कंजेस्टेड हो जाएगा इधर रहेगा तो मेंटेन करना डिफिकल्ट है। और फिर उसके बाद ये गेट कन्वेयर पे गिरेगा, और जो कि बेल्ट ड्राइव है यहाँ पे उसका इधर से। फिर उसके बाद ट्रंक बेल्ट कन्वेयर से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ, और जो भी आगे होगा वो अलग चीज़ है। तो इस केस में देखो एडवांस इस डायरेक्शन में हो रहा है, गेट रोड हमने पहले से डेवलप नहीं कर रखा है। गेट रोड इस पे फेस के साथ साथ एडवांस हो रहा है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टेबल। इसका कुछ पोर्शन हमेशा एडवांस में रहता है, क्योंकि कटिंग में डिफिकल्टी ना हो। अगर यहाँ से कट करता हुआ आ रहा है और जो मैनेज करना है यहाँ पे मशीनरी वशीनरी, क्योंकि यहाँ पे जब कट कर रहा है साथ में एडवांस हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रिल ब्लास्ट भी करना होगा, तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग यहाँ पे चल रही है, तो इसीलिए हमेशा इसको एडवांस में रखेंगे। इधर भी चल रही है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, तो यही रीज़न है कि इसका जो एडवांस रेट है ना वो रिट्रीटिंग टाइप से कम होता है, क्योंकि उसमें कई सारे ऑपरेशंस पैरेलल में चल रहे हैं। यहाँ पे ड्राइव हो रहा है तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर जो इसका एडवांस रेट है, अगर मान लो हम इसको ड्राइव नहीं कर पाए फर्दर, तो फेस ज़्यादा एडवांस करके ज़्यादा फायदा होना नहीं है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो यानी कि जो फेस का एडवांस रेट है वो डिक्टेट होगा जो आपका गेट रोड का एडवांस रेट है उस पर। देखेंगे कैसे क्या होता है इस पर। और पीछे पीछे हम लोग सैंड पैकिंग करते चल रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना, दोनों समझ में आया आप लोगों को कि एक रिट्रीट टाइप था और ये मैकेनाइज्ड था। पावर्ड सपोर्ट सैंड स्टोइंग वाले केस में जनरली मैकेनाइज नहीं यूज़ करते थे, तो उसमें कन्वेंशनल सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे पावर्ड सपोर्ट दिखाया नहीं हमने। यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग चल रही है, हम लोग गेट रोड भी एडवांस कर रहे हैं, गेट रोड भी डेवलप कर रहे साथ साथ में, और यहाँ पे फेस से एक्सट्रैक्शन चल रहा है जो कट करेगा शेयरर यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे, वो सब देख लिया आपने। समझ में आया इतना? अगर ये समझ में आ गया हो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आ जाए हम लोग। बनवारी समझ में आया? बनवारे बिट्टू, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, एडवांसिंग टाइप क्या होता है, रिट्रीटिंग टाइप क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग वर्सेस लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या होता है, ये एक बार रीड कर लेता हूँ। इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग सिस्टम, ए लॉन्ग वॉल फेस 100 to 150 meter लॉन्ग इज एडवांस अवे फ्रॉम द मेन ट्रांसपोर्ट रूट इधर इन द डिप डायरेक्शन और इन द स्ट्राइक डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विथ गेट रूट। तो गेट रूट के साथ साथ जो है ये जो लॉन्ग वॉल फेस है वो भी एडवांस हो रहा है। ठीक, इन दिस सिस्टम गेट रूट्स आर एडवांस साइमल्टेनियसली विद द फेस एडवांस। द गेट रूट्स आर केप्ट 5 meter एडवांस फ्रॉम द फेस एंड ड्यूली सपोर्टेड एज द फेस एडवांसेस। तो जैसा कि इस फिगर में हमने देखा था, ये देखो आप कितना जनरली कितना होता है, 5 meter एडवांस में होता है,
और इस वाले केस में देखो तो फेस किसके अलोंग है, डिप के अलोंग है ना। ये देखो फेस लाइन जो है डिप के, जो फुल डिप है उसके कुछ एंगल पे है लेकिन फिर भी डिप के अलोंग है। वो स्ट्राइक के अलोंग कब रखेंगे ये सब है ना आपके सिलेबस में है, तो डिप डायरेक्शन या फिर स्ट्राइक डायरेक्शन के अलोंग कब होगा ये हम लोग उस पर आएंगे अभी। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग क्या होता है? इन लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग सिस्टम गेट रूट्स आर ड्रिवन फ्रॉम द मेन ट्रांसपोर्ट रूट। तो ये जो मेन ट्रांसपोर्ट रूट कहाँ है, ये वाला ना, ये वाला रुको हाईलाइट रीज करता हूँ। हाँ तो मेन ट्रांसपोर्ट रूट या फिर ये जो है बगल में यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेन रोडवे। पेन यूज कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेन रोडवे। तो मेन ट्रांसपोर्ट रूट इसी में होता है, तो मेन रोडवे से ही हम लोग आगे की तरफ करते हैं ना। एडवांसिंग में क्या करते थे, मेन रोडवे से ही फेस एडवांस होता होता एक्सकेवेट होता होता जा रहा था, जिसमें फेस जो था, जो ये आपका ये वाला जो गेट रोड है वो 5 मीटर एडवांस में इसको हम लोग डेवलप करते चल रहे थे, और पीछे से फेस आ रहा था और कोयला जो बीच में लॉन्ग वॉल फेस है उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा था। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग में ऑन दी अदर हैंड गेट रूट्स आर ड्रिवन फ्रॉम द मेन ट्रांसपोर्ट रूट अप टू द पैनल बाउंड्री एंड देन दे आर कनेक्टेड फॉर्मिंग लॉन्ग वॉल फेस। तो जो जिससे कनेक्ट करते हैं जिस गैलरी को बना के, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन चैम्बर, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इंस्टॉलेशन चैम्बर, जिसमें पहली बार हम लोग इक्विपमेंट सभी इंस्टॉल करते हैं। विच इज रिट्रीटेड फ्रॉम द पैनल बाउंड्री टूवर्ड्स द मेन ट्रांसपोर्ट रूट। जैसा कि इस वाले केस में हमने डेवलप किया, ये पूरा डेवलप किया यहाँ से यहाँ तक, मेन ट्रांसपोर्ट रोड या फिर मेन रोडवे जो है उससे आगे की तरफ पूरा डेवलप किया, जो पैनल बाउंड्री हमने डिटरमाइन की थी वहाँ तक गए, फिर ये ड्राइव किया हमने इंस्टॉलेशन चैम्बर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, उस पर सपोर्ट इंस्टॉल किया, और फिर बाउंड्री से पैनल बाउंड्री से हम लोग वापस आ रहे हैं मेन रोडवे की तरफ। ठीक। इन दिस सिस्टम द गेट ट्रांसपोर्ट आर सपोर्टेड बाई सॉलिड कोल पिलर्स एंड कैन बी अबेंडेंड एज द फेस रिट्रीट्स। तो इस वाले केस में किससे सपोर्ट हो रहा है, सॉलिड कोल पिलर ना। सॉलिड कोल पिलर से क्यों हो रहा है, क्योंकि तो इस साइड दोनों साइड देखो, अगर आप दोनों साइड देखो, इस साइड भी सॉलिड कोल ब्लॉक है, पूरा पूरा सॉलिड कोल ब्लॉक है, और इस साइड भी सॉलिड कोल ब्लॉक है। अनलेस कि दूसरा पैनल माइन हो गया तो बीच में हम लोग पिलर भी छोड़ते हैं इस केस में, जिसको हम लोग चेन पिलर बोलते हैं, उस पर भी आएंगे। एडवांटेज ऑफ लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का क्या एडवांटेज है, फुल्ली प्रोडक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग कैन बी स्टार्टेड विद लिटिल डेवलपमेंट वर्क। तो जो जेस्टेशन पीरियड की बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूँ जेस्टेशन पीरियड क्या होता है इस वाले केस में, जेस्टेशन पीरियड इज लेस एज कंपेयर टू, तो ये जो बोल रहे हैं ना कि लिटिल प्रोडक्टिव ऑपरेशन जो है फुल्ली प्रोडक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है कम टाइम में, तो इस केस में जेस्टेशन पीरियड क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग बस मेन रोडवे से फेस ही तो माइन करना शुरू किए ना, बस 5 मीटर एडवांस में गेट रोड डेवलप किया, उसके बाद फेस माइन करना स्टार्ट कर दिया, तो तुरंत स्टार्ट हो गया माइनिंग। जबकि रिट्रीट के केस में क्या करते हैं, पहले तो हमने वहां से मेन रोडवे से पैनल के बाउंड्री तक ले गया, वहां से कनेक्ट किया, फिर वहां से रिट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। इट डज नॉट रिक्वायर द गेट रोड नीड टू बी ड्रिवन फर्स्ट अप टू द पैनल बाउंड्री एज इन केस ऑफ रिट्रीट पर्सन, थस जेस्टेशन पीरियड इज लेस। ठीक। नो इन्वेस्टमेंट एंड सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर ड्राइवेज ऑफ गेट रोड। तो जो रिट्रीट टाइप में करते हैं जैसा इस वाले केस में, तो पहले जब हम लोग करेंगे पूरा माइन, हाँ जैसे इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, तो ये वाला तो उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा ना। सपोज ये वाला ऐसे है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले में रखा था मैंने, हाँ सपोज ये वाला है। तो गेट रूट डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग सेट ऑफ इक्विपमेंट, अलग सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि
अलग ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग अपॉइंट करेंगे, पर्सनल बोल देता हूँ, ठीक। उसका सुपरवाइजरी अलग होगा, वो अलग कोई देखेगा कि कैसे गेटवे डेवलप हो रहा है। और उस केस में हम जो जैसे यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशनल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग छोड़ दें, तो रोड एडर जैसे यूज़ कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, या फिर कंटिन्यूअस माइनर यूज़ कर रहे हैं। अभी इंडिया में जैसे मूनिडी में अभी यूज़ कर रहे हैं बोल्टर माइनर। तो बोल्टर माइनर में ऐसा समझ लो, अगर लेमैन की लैंग्वेज बोलूँ तो कंटिन्यूअस माइनर है जिसके ऊपर कुछ आर्म्स माउंटेड हैं जो कि बोल्ट कर सकते हैं रोप में, कंटिन्यूअसली माइन करता है। कंटिन्यूअस माइनर प्लस शटल कार का जो कॉम्बिनेशन है उससे माइन कर रहे हैं। तो वो अलग टाइप का एक अरेंजमेंट होगा जिसमें गेट रोड एडवांस में हम लोग डेवलप करते चलेंगे। ये पैनल जैसे माइन कर रहे हैं तो अगला वाला पैनल उसके एडवांस में ही डेवलप कर रहे हैं हम लोग, तो उसको अलग से मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा, जबकि इसमें क्या होता है कि ड्रिल ब्लास्ट कर रहे हैं और एक ही सुपरवाइजरी टीम है जो कि सबको मॉनिटर कर रही है। ठीक, अब डिसएडवांटेजेस क्या लॉन्ग वाले एडवांसिंग के, द गेट रूट नीड टू बी मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पैनल इन द एक्सपेक्टेड एरिया और थ्रू गोफ। इट रिक्वायर्स हैवी सपोर्ट विच इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो उस वाले केस में क्या करना पड़ता है कि जैसे सपोज ये हम ऐसे करके जा रहे हैं पीछे से, और यहाँ फेस है अपना, ऐसे बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये टेल गेट सपोज है, ये मेन गेट है। अगर केविंग अडॉप्ट किया तो ये पूरा का पूरा केव कर गया, और गेट रूट को हमको इधर ही इसी में मेंटेन करना है जो केव्ड एरिया। सपोज इधर वाला भी माइन कर लिया हमने तो पहले इधर से भी केव्ड है, तो गेट रोड हमको केव्ड एरिया में मेंटेन करना है जो कि हाईली डिस्टर्ब्ड है ना। तो उस केस में हैवीली सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, गर्डर सपोर्ट लगा रहे हैं हम लोग, वायर मेसेस लगा रहे हैं ताकि इसको स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि रूफ कंडीशन बहुत ही पुअर हो जाएगी उस केस में। क्रिप सपोर्ट लगा रहे हैं, तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। जबकि जब हम लोग रिट्रीट टाइप में कर रहे हैं तो उस केस में क्या कर रहे हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे कोई पिलर नहीं छोड़े, उस केस में क्या कर रहे हैं, हमारे पास चेन पिलर है। जैसा कि ये लेआउट हम फर्स्ट वाला दिखे, ये वाला देखो, जैसे ये वाला देखो आप, इसमें ये रहा, ये पैनल माइन हो चुका है, इसके बीच में पिलर छोड़ा हुआ है हमने, और इधर पहले से सॉलिड कुल ब्लॉक है। तो इसमें जो मेंटेन करना होगा ज़्यादा रिलेटिवली इजी होगा, क्योंकि सॉलिड कुल ब्लॉक के बीच में एंट्रीज है। जबकि उस केस में जब कर रहे हैं जो एडवांसिंग वाले केस में, तो ये सब नहीं है बीच में पिलर्स, तो उस केस में मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए स्टोइंग के साथ यूज़ करते हैं और उसमें पिलर नहीं छोड़ते बीच में। एक सीन हम लोग क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, देख लूँ मैं। बनवा रही बिट्टू, बिट्टू समझ में आ रहा है? हाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग वाले एडवांसिंग पे आते हैं। तो द गेट रोड नीड टू बी मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पैनल इन द एक्सपेक्टेड एरिया और थ्रू गूफ। इट रिक्वायर्स हैवी सपोर्ट विच इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। पहला ये कंडीशन हो गया, इसमें डिसएडवांटेज इसका ये हो गया, ए मच रिजिड साइकिल। ए मच रिजिड साइकिल ऑफ ऑपरेशन नीड्स टू बी फॉलोड, द गेट रूट नीड टू बी साइमल्टेनियसली एडवांस अलॉन्ग विद द एडवांस ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन वो हैम्पर होगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि गेट रूट टाइमली एडवांस हो रहा है, ताकि जो पीछे से जो फेस आ रहा है वो मेंटेन कर पाए। द रेट ऑफ फेस एडवांस डिपेंड ऑन द रेट ऑफ एडवांस ऑफ द गेट रूट। जैसा कि मैंने बताया, हायर आउटपुट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से गेट रूट डेवलप कर रहे हैं, तो हायर आउटपुट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उतना रेट ऑफ एडवांस इसका हाई नहीं होता है। फर्दर हम लोग पीछे जो अभी इंडियन कंडीशन में यूज़ कर रहे थे सैंड स्टोइंग कर रहे हैं, तो फर्दर हैम्पर कर देता है एडवांस को। तो इस केस में ज़्यादा रेट ऑफ एडवांस नहीं, प्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं होता है, मतलब डेली प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। द जियोलॉजी ऑफ द एरिया कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड इन एडवांस एज इट कैन बी नोन इन रिट्रीटिंग सिस्टम। उसमें पहले रिट्रीट में क्या करते थे, पहले ही हमने यहाँ से यहाँ तक
एडवांस कर लिया। तो ये जो एरिया है सॉलिड कोल ब्लॉक है, इसका जियोलॉजी अगर एंड पे एक्सप्लोर्ड अगर कोई फॉल्ट प्लेन है तो हमको पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉल्ट प्लेन है, डेवलप करते समय ही सपोज छोटा सा फॉल्ट प्लेन है जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, तो वो यहाँ पे कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो हम लोग पहले से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। जबकि एडवांसिंग वाले में फेस इसके साथ ही मूव कर रहा है तो वो एक्सप्लोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ड्राइवेज ऑफ गेट रोड आर टू बी डन विथ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। फास्ट हेडिंग मशीन लाइक रोड हेडर और डेंट हेडर कैन नॉट बी यूज। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि कंजेस्टेड हो जाएगा वहाँ पे, ज़्यादा स्कोप नहीं है मैकेनाइजेशन का। तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से कर रहे हो तो मैकेनाइजेशन का स्कोप नहीं है। एज द गेट रोड्स आर ड्रिवन अलॉन्ग द फेस मोस्ट डस्ट इज कैरी डाउन टू द फेस। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो जो भी फेस जो डस्ट जनरेट हो रहा है, वेंटिलेशन सिस्टम लगभग सेम है उनका, और जो एडवांसिंग में कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पर डक्ट से वेंटिलेट करते होंगे, तो जो डस्ट जनरेट होगा वो भी फेस पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सपोज ये एडवांसिंग जो कि 5 मीटर एडवांस में है, ये फेस हो गया आपका, इधर हम स्टोरिंग करते हुए चले आ रहे हैं। तो अगर 5 मीटर एडवांस में है तो वैसे तो हो जाएगा, अगर डक लगा के भी हम लोग वेंटिलेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एयर सर्कुलेट होकर फेस के थ्रू होकर रिट्रीट से वापस जाएगा। तो जो भी एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर डस्ट जनरेट हो रहा है वो फेस के थ्रू पास करेगा, तो वो एक हजार की तरह है। वेंटिलेशन ऑफ फेस इज पुअर कंपेयर टू रिट्रीट माइनिंग एज द एयर इज लीक थ्रू द गोफ इन एडवांसिंग सिस्टम। तो उस वाले केस में, रिट्रीट वाले केस में, तो ये तो सॉलिड कोल ब्लॉक है, सॉलिड कोल ब्लॉक, और उसके साइड में चिन पिलर है, तो उस केस में क्या होगा, वेंटिलेशन में ज्यादा लीकेजेस नहीं है। जबकि एडवांसिंग टाइप में हमने पहले ही यहाँ पे कर दिया, स्टोइंग के केस में तो होगा लीकेजेस, लेकिन कंपेरेटिवली बात करें केबिंग में बहुत ज्यादा लीकेजेस होंगे और स्टोइंग में कम होगा। तो ये पूरा का पूरा जो लीकेजेस के चांसेस है इसके थ्रू वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा कलर यूज कर लूँ। तो एडवांसिंग में जो, अगर ये मेन गेट एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं टेल गेट एज्यूम कर लेता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेन गेट हाई प्रेशर है, इधर टेल गेट लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसके वजह से एयर लीकेजेस होंगे, क्योंकि ये ब्रोकन मटेरियल है, इसके अंदर फिशर्स होंगे। ठीक, तो जो इसका डिसएडवांटेज है वही एडवांटेज हो जाएगा लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का, और जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं रिट्रीटिंग टाइप में। अगर हमने एंट्रीज डेवलप की हैं, जैसे कि ये टॉप व्यू है इसका, मशीनरी वशीनरी हटा के हम लोग देख रहे हैं कैसा दिखेगा ये। तो ये जैसे कि ये पैनल है माइन कर लिया हमने, ये जो वाइट वाला ये पूरा का पूरा गोफ है। सेकेंड पैनल माइनिंग चल रही है, ये पहले ही डेवलप हो गया, और ये पहले एडवांस में ही हम लोग डेवलपमेंट ऑफ गेट रोड चल रहा है। ये केस में ज़्यादा पहले तो एडवांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर गेट रोड पॉइंट ऑफ जो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है थोड़ा सा गलत होता है। तो ज़्यादा एडवांस भी नहीं रखते हैं इसमें, लेकिन इतना एडवांस रखते हैं कि जब ये यहाँ पे रीच करे, जब पैनल एंड हो तब ये रेडी हो इसके माइनिंग के लिए। तो इसमें जो है डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, जैसे रिट्रीट करके यहाँ पे आएगा एंड होगा, कुछ बैरियर पिलर छोड़ देंगे यहाँ पे। बैरियर पिलर छोड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको जो ये जो मेन हेडिंग्स हैं या फिर मेन रोडवे है, इसको इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। अदरवाइज वो जो अबटमेंट एंगल वाला, अबटमेंट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, उसकी वजह से इसमें कन्वर्जेंस इंक्रीज करेगा और इसकी कंडीशन डिटेरियट कर जाएगी। फिर यहाँ से फेस मूव करके हम ले जाएंगे फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से रिट्रीट होगा। तो बीच में हम लोग ये जो गेट रोड जब डेवलप कर रहे हैं तो ये टू हेडिंग दिख रही है, जिसको बोलते क्या है, टू एंट्री सिंगल रो चेन पिलर। मतलब कि बस सिंगल रो ऑफ चेन पिलर यूज कर रहे हैं बीच में, और उसके साइड में दो एंट्रीज हैं जिसको डेवलप करते हुए आगे जा रहे हैं हम लोग। तो टू एंट्री सिस्टम कैसा दिखेगा, उसके साइड में दो एंट्रीज रहेंगी, इसका एक पर्टिकुलर विड्थ रहेगा चेन पिलर का। रिट्रीटिंग टाइप की बात कर रहे हैं ना अब हम लोग, क्योंकि चेन पिलर्स वही यूज कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना कि चेन पिलर और बैरियर पिलर
जो कि हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं जनरली इंडियन कंडीशन में, लेकिन ये होते हैं अलग। चेन पिलर अलग होता है, वेरिए पिलर अलग होता है। चेन पिलर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, चेन कैसा दिखता है, ये ऐसे करके लिंक है उनके बीच में, कुछ वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे है चेन पिलर्स का इनके बीच में। जबकि बैरियर पिलर्स की बात करूँ तो एक कंटिन्यूअस सॉलिड ब्लॉक होता है। अगर ये बैरियर पिलर होता है तो ये पूरा पूरा, जैसे ये वाला मान लो, ये वाला पैनल बैरियर इसको बोलते हैं ना, ये वाला बैरियर है सॉलिड कुल ब्लॉक है ये। ये 150 मीटर 250 मीटर जो भी होगा सॉलिड कुल ब्लॉक होगा। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में हम लोग क्रॉस कट बना रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कट बोलते हैं। तो बीच बीच में क्रॉस कट बना रहे हैं तो इसलिए इसका चेन पिलर नाम देते हैं। और बैरियर पिलर का पर्पज ही अलग होता है, वो पूरा का पूरा पैनल आइसोलेट करने के लिए। इंडियन में कंडीशन में तो ऐसा कोई है नहीं कन्वेंशन, लेकिन जो फॉरेनर यूज करते हैं जैसे यूएस कंडीशन में, वो क्या करते हैं, तीन चार पैनल, जैसे कि ये कंटिन्यूस हो गया, तीन हैं इनके बीच में चेन पिलर है, उसके बाद वो क्या छोड़ देंगे, एक बैरियर पिलर छोड़ देते हैं, ताकि जब आइसोलेट करना होगा तो पूरा का पूरा ही एरिया जो है आइसोलेट किया जा सके और इजिली आइसोलेट किया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉपिंग्स है ना, यहाँ पे उस केस में स्टॉपिंग्स नहीं है, सॉलिड कुल ब्लॉक है, तो इजिली आइसोलेट किया जा सकता है। इन केस ऑफ अगर कुछ फायर हो गया या फिर कुछ ऐसा केस आ गया, कोई हजार के केस में हम लोग इजिली उसको आइसोलेट कर पाते हैं। तो इसके बीच में पिलर भी है, और पिलर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर पिलर्स है यहाँ पे, और इन पिलर का जो डायमेंशन है, डायमेंशन कैसे डिसाइड करते हैं, तो इंडियन कंडीशन में अभी तक ये कोल माइन रेगुलेशन से गवर्न होता है या फिर डिक्टेट होता है। तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 जो है, रेगुलेशन नंबर 111, वो क्या बोलता है कि अगर पिलर का डेप्थ, पर्टिकुलर डेप्थ है, गेट रूट विड्थ है, तो उस केस में एक पर्टिकुलर विड्थ होना चाहिए पिलर का। जैसे मान लो कि अगर 360 मीटर से ऊपर है और ये गेट रूट विड्थ 4.8 मीटर से ऊपर है, तो उस केस में बोलता है कि 48 मीटर पिलर विड्थ होना चाहिए। और लेंथ जो है इसका, तो लेंथ जो डिक्टेट होता है कि जो ट्रेलिंग केबल है लेंथ उसका, लेंथ जो कि जनरली 200 मीटर होता है, तो गेट एंड बॉक्स जो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी रूल बोलता है कि वो यहाँ पे जंक्शन पे कहीं रखेंगे, तो उससे जब देखते हैं यहाँ पे तो 200 मीटर लगभग मैक्सिमम लेंथ जो होता है वो जा सकता है, अदरवाइज कम होगा। तो ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं टू एंट्री सिस्टम के अलावा थ्री एंट्री सिस्टम में होता है, थ्री एंट्री, फोर एंट्री, फाइव एंट्री सिस्टम। तो जैसे इस वाले केस में मैं दिखाऊँ, जैसे ऊपर वाले में, ये देखो बड़ा कर देता हूँ जैसे आप लोग को दिखे। हाँ तो जैसे ये जो है, कितना एंट्री सिस्टम है ये वाला, खुद बताओ सोच के, फोर एंट्री सिस्टम। क्यों, कितने एंट्री है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं थ्री रो फोर एंट्री सिस्टम। यानी कि तीन चेन पिलर छोड़ा है, तीन रो ऑफ चेन पिलर छोड़ा है हमने, और उसके जब तीन रो ऑफ चेन पिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग चार एंट्रीज डेवलप होंगी, तो ये फोर एंट्री वाले। और ये जब चार एंट्री हैं या फिर तीन रो ऑफ पिलर है, तो साइज तीनों का सेम रखने में कोयला का लॉस होगा, तो कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया कि अलग अलग पिलर्स बना दिए। तो एल्ड स्टेफ, एल्ड कॉन्फिगरेशन यूज कर लिया, स्टेफ को दूसरा वो बोलते हैं अबटमेंट पिलर्स, अबटमेंट पिलर्स। अबटमेंट पिलर क्या होता है, जो कि पूरा लोड ले सकता है। एल्ड पिलर वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फेल कर जाए और लोड का पूरा सॉलिड पिलर पर ट्रांसफर कर दे। ठीक, हाँ, फोर एंट्री सिस्टम देखा। वैसे थ्री एंट्री सिस्टम होता है जिसमें टू रोज ऑफ चेन पिलर है, तो इस वाले केस में से अबटमेंट अबटमेंट है, इल्ड इल्ड हो सकता है, कोई भी कन्फिग्रेशन हो सकता है। लाइकवाइज फोर एंट्री सिस्टम, जैसा कि मैंने दिखाया, फाइव एंट्री सिस्टम होता है। तो जरूरत क्यों होती है
ये 3 एंट्री 4 एंट्री 5 एंट्री, जब 2 एंट्री से काम चल ही रहा है हमारा, 3 एंट्री 4 एंट्री पे जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कोयले का तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। 1 रो ऑफ चेन पिलर छोड़ा है हमने, तो ये तो कोल निकालेंगे नहीं, तो छोड़ देते अंडरग्राउंड ही। तो ये जो लॉस है उसको हम लोग बियर करके 3 एंट्री 4 एंट्री क्यों कर रहे हैं? तो यूएस कंडीशन में, तो ये जो कंडीशन, ये जो प्रैक्टिस है ना 3 एंट्रीज 4 एंट्रीज 5 एंट्री, ये यूएस में प्रैक्टिस की जाती है। उनका रेगुलेशन ये बोलता है कि मिनिमम 3 एंट्री मेंटेन करना है, जिसमें से एक जो होगा, जिसमें बेल्ट रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल के, एक से मैन, ये मैन और मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये करके मेंटेन करते हैं। और इनटेक फ्रेश एयर के लिए बीच में रखेंगे, जिससे कि इनटेक फ्रेश एयर जाएगा वहाँ से, तो उसके लिए मेंटेन करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हाई डेप्थ हो रहा है ना, अब इंडियन कंडीशन में भी आगे इन फ्यूचर यूज़ करना ही पड़ेगा, वो अलग बात है कि अगर हम मैनेज कर ले जाए, हम कर ही ले जाते हैं। तो इंडियन कंडीशन में क्या है कि 2 एंट्री ही यूज़ होता है, यानी सिंगल रो ऑफ चेन पिलर यूज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे हाई डेप्थ पे जा रहे हैं, जैसे मोनेडी का एग्जांपल ले लो, तो उस समय हम लोग जा रहे हैं 15 सिम में 850 मीटर डेप्थ पे। तो 800 मीटर जब नीचे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर जो होगा, जियो थर्मल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, -0.03 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। 1 मीटर जाने पर 0.03 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो स्ट्राटा टेम्परेचर होगा अंडरग्राउंड वर्किंग के पास, वो बहुत हाई होगा। वाटर का कॉम्बिनेशन आ गया तो ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी, ठीक। और गैसीनेस आ गया, मान लो डिग्री ऑफ गैसीनेस अगर ज़्यादा है इसकी, तो उस केस में तो और इशू हो जाएंगे ना वेंटिलेशन के लिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, और क्वांटिटी ऑफ एयर ज़्यादा चाहिए तो सिंगल एंट्री से करेंगे तो हाई, अगर मान लो प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो डस्ट जनरेट होने लगेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, मल्टीपल एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो डिजायर्ड क्वांटिटी है फेस पे पहुँचाया जा सके। फिर कूलिंग सिस्टम होता है जो कि मेंटेन कर सकते हैं कि ठंडा हवा पहुँचे, जैसे कि एड्रियाला में लगा हुआ है, एड्रियाला में ये एयर कूलिंग सिस्टम है, यानी कि एसी की तरह लगा हुआ है, एयर कंडीशनर टाइप है, जो कि ठंडी हवा डक्ट के थ्रू फेस पे सप्लाई कर रहा है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में वैसा करना पड़ेगा। तो उस केस में जब हाई डेप्थ पे जा रहे हैं, तो उस केस पे हमें मल्टीपल एंट्रीज पे जाना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर में भी इंडिया में भी देखा जाएगा, ठीक। अब हमने देख लिया मल्टीपल एंट्री क्या है, सिंगल एंट्री क्या है। सिंगल एंट्री तो देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है इसका, सपोज जो बीच में देखा हमने कि ये पिलर होता है, ये जैसे देखा हमने ये पिलर है, और ये जो गेट रोड है बीच में, गेट रोड का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? जैसे दो साइड में एडवांसिंग फेसेस हैं और रिट्रेटिंग फेसेस हैं, गोफ है ये बगल में, तो बीच में इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, किसका, गेट रोड का, वो देखना है अभी। तो पिलर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पॉइंट है गेट रोड का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। तो क्रॉस सेक्शन इसका या तो आर्च शेप्ड हो जाएगा, तो ये यूके कंडीशन में यूज करते थे आर्क शेप, ये गेट रोड कंडीशन, गेट रोड क्रॉस सेक्शन। दूसरा जो होगा रेक्टेंगुलर हो जाएगा, जो कि इंडियन कंडीशन में है क्रॉस सेक्शन, ठीक। सर्कुलर तो नहीं यूज करते हैं, सर्कुलर का मतलब कि बेस भी ऐसे हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो आर्क शेप्ड हो गया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, यही दो मेजरली यूज करते हैं। स्क्वायर शेप्ड का स्कोप उतना नहीं है, ये क्यों कह पा रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली जो डेवलपमेंट हाइट होता है 3 मीटर होता है, ये हम लोगों को पता है। तो एक टिपिकल अगर थिकनेस है किसी भी सीम का,
तो उसमें जो डेवलप करेंगे 3 मीटर, वो अलग बात है कि सेम थिकनेस से 2.2 मीटर हो गए तो उसके इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 3 मीटर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और 3 मीटर डेवलपमेंट में जो क्रॉस सेक्शन जो उसका विड्थ रखेंगे कितना रखेंगे, आज के केस में मैकेनाइजेशन है, और मैकेनाइजेशन में भी हमें किससे माइन, हम लोग डेवलप किससे कर रहे हैं, कंटिन्यूस माइनर ना या फिर बोल्टर माइनर। तो उस केस में उसको एडजस्ट करने के लिए, और फर्दर जब अगर आप देखोगे कि उसमें जैसा मैं बता रहा था कि एनर्जी ट्रेन होता है, रेलवे ट्रैक होते हैं, फिर ऊपर से मोनो रेल है पाइपलाइन को हैंडल करने के लिए, तो वो सब को देखते हुए जो जनरल अगर हाईली मैकेनाइज माइन है तो वो 5.1 मीटर 6 मीटर इतना विड्थ रखना पड़ता है, और कंटिन्यूस माइनर से डेवलप कर रहे तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो उस केस में जो शेप दिखेगा कैसा दिखेगा, 5.1 इधर हो गया, इधर 3 मीटर हो गया, तो रेक्टेंगुलर दिखेगा। पहले जो कन्वेंशनल माइन करते थे उसमें स्क्वायर हो सकता था क्योंकि 3 मीटर हाइट है, तो 3 मीटर उस केस में हम लोग मैनेज कर सकते थे, लेकिन अभी के केस में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, डाउट तो नहीं है बिट्टू, कोई डाउट तो नहीं है आपको? विनय चंद्रा भी ज्वाइन करके क्या हुआ, क्लास तो एंड हो रही है। महेंद्र देखो लास्ट में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ज्वाइन करते कुछ क्वेश्चन पूछते तो फिर होता भी। बिट्टू आप थे पहले, बताओ कुछ डाउट है आपको? तो अभी तक जो आपका सिलेबस था मेथड ऑफ ड्राइविंग सिंगल मल्टीपल एडिंग गेट रूट, पहले तो हमने देख लिया गेट रूट में कौन कौन से हैं, अलग अलग लेआउट क्या है उसका, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, चेन पिलर छोड़ रहे हैं, फिर 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री तक भी जा सकता है। इंडियन कंडीशन में 2 एंट्री ही यूज़ करते हैं, US कंडीशन में 3 एंट्री 4 एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 एंट्री का है। स्पेशल परमिशन चाहिए, जैसे डीजीएमएस का परमिशन चाहिए ना, कि जो रेगुलेशन है उससे अगर हम डेविएट कर रहे हैं तो विदाउट डीजीएमएस के परमिशन के नहीं हो सकता, वैसे ही उनके केस में 3 एंट्री है। हाँ, लेकिन उनके कुछ केसेस में जैसे यूटा माइन में है कुछ है जहाँ बम्प के रिस्क हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर 2 एंट्री भी यूज़ करते हैं वो लोग, लेकिन मल्टीपल एंट्री यूज़ करते हैं इन जनरल, और 3 एंट्री उनका रेगुलेशन है कि मिनिमम इतना तो होना ही है, 4 5 4 या 5 कर ही लो आप। ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग वॉल, फर्स्ट में हमने देख लिया एडवांसिंग और रिट्रीटिंग फेसेस क्या होते हैं, एडवांसिंग रिट्रीटिंग में हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिया, ये भी देखा कि एडवांसिंग जब टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जनरली स्टोइंग्स यूज़ करते थे, पास्ट में यूज़ करते थे, इंडियन में भी यूज़ हुआ है एडवांसिंग, तो उस केस में हम लोग जो यूज़ करते थे स्टोइंग टाइप ही यूज़ करते थे। एडवांसिंग में 5 मीटर जो होता है स्टेबल हम लोग एडवांस में रखते हैं, क्योंकि गेट रोड जब डेवलप हो रहा है और जो फेस जो माइन हो रहा है दोनों साथ साथ में हो रहा है, तो जो रेट ऑफ एडवांस है वो डिक्टेट कौन करता है, कि जो आपका डेवलपमेंट रेट है गेट रोड का वो डिक्टेट करेगा। अब ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस में एक चीज़ और जो अभी हम मुझे बताना है, जो कि 10 या 5 मिनट का है, वो कि डिप के अलॉन्ग कर, जैसे मैंने जो दो फेसेस दिखाए आपको कि एक अपेरेंट डिप के अलॉन्ग था, यानी कि डिप के अलॉन्ग ही था बेसिकली वो, और जो VK7 वाला दिखाया उसमें भी वो डिप के अलॉन्ग ले डाउन किया था हमने फेस को। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है कि उसको राइज के अलॉन्ग कर दें, तीसरा ये हो सकता है उसके स्ट्राइक के अलॉन्ग कर दें, और उसका एडवांस जो होगा डिप राइज के अलॉन्ग हो जाए, तो ये दो तीन और डिफरेंट हो सकते हैं लेआउट, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। सपोर्ट सिस्टम फॉर लॉन्ग वॉल गेट रोड, तो ये इस पर हम लोग करना पड़ेगा। पावर्ड सपोर्ट के बारे में देखा हमने कि जो गेट एंड पे हैं वो दो अलग से जो एंकर सपोर्ट हैं उसकी कैपेसिटी अलग होती है, लेंथ अलग होता है, क्यों देखा क्यों होता है ये भी हमने समझा। फेस ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑफ शेयर एंड प्लॉ ये देखेंगे हम लोग कि अगर क्लीट का डायरेक्शन किधर है और कैसे कट करता है शेयर, शेयर के बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर केविंग के केस में पीरियोडिक ऑफ मेन फॉल, फिर शॉर्ट वॉल माइनिंग, कम्युनिकेशन एंड टेलीमेट मॉनिटरिंग, मेथड ऑफ ड्राइवे सिंगल मल्टीपल हेडिंग गेट रोड, इसके बारे में जनरल आइडिया दे दिया हमने कैसे कैसे करते हैं, लेकिन उसको मुझे
एक बार मैं डायग्राम आपको जो मशीन्स यूज़ होती है उसको लेके आके दिखाना पड़ेगा, वोल्टर माइनर क्या है, कंटिन्यूस माइनर क्या है, तो एक ओवरव्यू कम जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा आप लोगों को। तो डबल एंट्री सिस्टम में आ जाएंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम में आ जाएंगे, देख लेंगे कैसे क्या होता है। फिर लेआउट फेस का क्या होगा, वो कौन डिक्टेट करता है, स्ट्राइक के अलॉन्ग जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे वो आ जाएगा, कि क्लीट ऑफ सेम है, रूफ कैसा है, और फिर उसका जो वेरिएंट है सिंगल यूनिट डबल यूनिट उस पर देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ।